तो आज हम बात करेंगे, अगर आपको तुर्की जाना है तो उसके लिए आपको विजिटर वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पासपोर्ट एंड वीज़ा 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और आपको एक NOC रिक्वायर्ड होगा आपकी कंपनी से जहां आप काम करते हैं, जॉब करते हैं। आपकी कंपनी से आपने एक NOC लेना है, जिसमें मेंशन हो आपका कंप्लीट नेम एज पर योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, आपकी जॉब टाइटल क्या है, कंपनी में आपका रोल क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपकी कंपनी की स्टैम्प होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, हो सके तो HR का नंबर भी उसमें मेंशन कर दें कि इन केस अगर एम्बेसी कॉल करे कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए तो वो कॉल करके कंपनी से पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे करते नहीं है लेकिन आप नंबर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी एक्टिव नंबर रहना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपकी NOC रहेगी। पासपोर्ट वीज़ा कॉपी के साथ NOC लाजमी है, साथ में आपकी लास्ट 3 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आपकी 3 महीने की सैलरी जो है वो शो होनी चाहिए। सैलरी जो है आपकी 4,000 से 5,000 के करीब हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका एटलीस्ट 20+ हो तो ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी और आपका जो NOC और आपकी जो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, साथ में आपकी MS ID की कॉपी भी चाहिए होगी। ठीक है, इसके साथ आप टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी लगा देंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं सिंगल बंदे के लिए। अगर फैमिली है तो फैमिली के लिए, जैसे वाइफ है तो वाइफ का पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, MS ID कॉपी और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, MS ID कॉपी और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं फैमिली के लिए और साथ में टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो भी है। ठीक है, और फैमिली के लिए जो है बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली जो स्पॉन्सर हैं उसी की लगेगी, सबकी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ठीक है, साथ में आपने अपना ट्रैवल प्लान देना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और आप कहाँ कहाँ विजिट करोगे, ये आपने देना है। ठीक, जनरल अपॉइंटमेंट के लिए आप पे करेंगे 489 दरम, और प्रीमियम के लिए आप पे करेंगे उसके लिए भी 489 दरम है। लेकिन जब जनरल के लिए आप जाएंगे तो आपने जाके अम्बेसी की जो फीस पे करनी है वो जस्ट 275 दरम पे करनी है, इंक्लूडिंग ट्रैवल इंश्योरेंस। लेकिन जब आप प्रीमियम लेंगे तो उसमें आपकी डेट थोड़ी जल्दी मिल जाती है आपको, और उसमें फिर आपको वहां जाके 615 दरम पे करना पड़ता है, इंक्लूडिंग अम्बेसी फी जो होती है 250 दरम कुछ होती है, जिसमें 275 दरम होती है जिसमें इंक्लूडिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और अम्बेसी फी, और बाकी जो है फिर वो उनकी प्रीमियम सर्विस के चार्जेस होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे हो गए, और का जो भी घर का या ऑफिस का एड्रेस दे देंगे तो वो आपको टाइम फ्रेम दे देंगे भी इतना 10 दिन या 2 वीक के बाद आपको जो डिसीजन होगा वो आपका पासपोर्ट, मतलब आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, वो थ्रू कॉरियर आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके घर पे या ऑफिस के। तो जब आपको पासपोर्ट मिलेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। तो इस तरह होता है। तो कभी भी आपने देखें तुर्की का विजिट करना हो तो आप कोशिश करें कम से कम आपका जो टूर प्लान है कम से कम 1 महीना एडवांस का रखें, 1 से 1.5 महीना एडवांस का रखें। उसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुर्की की जो अपॉइंटमेंट बहुत बिजी चल रही होती हैं, तो समटाइम 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं आपका पासपोर्ट आने में, डिले भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि आपका टूर प्लान सारा ख़राब हो जाए। तो कोशिश करें कि आपका जो 1 महीना 1.5 महीना एडवांस में आप करें, और ये जब मिलता है आपका तुर्की वीज़ा लग जाता है तो ये 3 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है, लाइक 3 महीने के अंदर कभी भी आप विजिट कर सकते हैं UAE स्पेशली। ठीक है, 3 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है और 1 महीना आप वहाँ तुर्की में स्टे कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, लगभग इसकी जो टोटल कॉस्ट की अगर बात कर लें, अगर हम जनरल की बात करें तो 489 प्लस 275 प्लस यही जो 250-300 दरम या 200 से 300 दरम के बीच में जो बंदा आपकी फाइल अगर बना के देगा तो वो ले लेगा आपसे, तो बस यही चार्जेस हैं, इसके अलावा कुछ खास और चार्जेस नहीं है।